राधे राधे दोस्तों, वैदिक टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ मेघा। आज हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे कौन से हालात होते हैं जिनसे वो अमीर बनता है और कब उसके जीवन में पैसे से जुड़ी परेशानी आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखकर व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताया जाता है। कुंडली में 12 भाव या फिर 12 स्थान होते हैं। इन भावों में जो 9 ग्रह होते हैं उनकी स्थिति जब बदलती है तो ये अलग अलग योग बनाते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को जीवन में धन प्राप्त होगा या नहीं, या उसे धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या नहीं। ग्रहों की स्थिति का आकलन करके उनसे बनने वाले योग को व्यक्ति के अमीर और गरीब होने के बारे में जाना जा सकता है। अब जानते हैं ग्रहों की वो स्थिति कब बनती है जब व्यक्ति गरीब होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली का दूसरा भाव या स्थान धन का माना गया है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति ही व्यक्ति को अमीर और गरीब बनाती है। जब किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में बुध हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्या होती है। ऐसे में जातक बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। कुंडली में ग्रहों की ये स्थिति जातक को गरीब बनाती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और बुध दूसरे भाव में अवस्थिति में हो उन लोगों के पास भी कभी पैसा नहीं टिकता। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब किसी की कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसकी कुंडली के द्वादश यानी 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को आजीवन धनहीन बनाने का संकेत देती है। इसके अलावा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने पर और उस पर बुध की दृष्टि पड़ने पर भी उस व्यक्ति और उसके परिवार के पास धन नहीं रहता और जो धन होता है वो नष्ट हो जाता है। अब जानते हैं वो स्थिति जिससे जातक अमीर होता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव का आकलन करने के बाद व्यक्ति की स्थायी संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है। जब कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा धन संपदा मिलती है। जिस जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में कभी भी पैसे से जुड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे शास्त्रों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर हम अपनाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग भी इन बातों को मानते आए हैं लेकिन आज के समय में जीवन शैली इतनी बदल गई है कि लोग इन बातों को अनदेखा करने लगे हैं। हर काम को करने का एक सही समय माना गया है और जो लोग इन नियमों को अनदेखा करते हैं या फिर इसकी जानकारी के अभाव में उनसे गलतियां होती हैं, ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। तो अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 6 काम हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। मनुष्य को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके अलावा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा शरीर हमेशा रोगों से बचा रहेगा। शास्त्रों में शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। कहा जाता है कि शाम के समय दोनों बेलाओं का मिलन होता है। शाम के समय भगवान की पूजा पाठ का होता है और जो लोग शाम को सोते हैं उन्हें धन हानि होती है। इस तरह से अगर आप शाम को खाना खाते हैं तो इससे आपके शरीर में रोग लग सकते हैं। बिस्तर पर कभी भी आपको बिना हाथ पैर धोए नहीं जाना चाहिए, ना ही आपको भीगे हुए पैर के साथ बिस्तर पर सोना चाहिए। माना जाता है जो लोग भीगे या फिर गंदे पैर लेके सोते हैं उनके घर में समृद्धि नहीं आती। इसलिए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तब आपके पैर हमेशा साफ होने चाहिए। शास्त्रों में दिन के समय सोना भी वर्जित माना गया है। जो लोग दिन के समय सो जाते हैं उनका शरीर रोगों से घिर जाता है, इसलिए दिन के समय आप कभी भी ना सो। ये बात बच्चों पे और बीमार लोगों पर लागू नहीं होती। सभी ऋतुओं में दिन के समय सोना वैसे तो वर्जित माना गया है लेकिन
गर्मी के मौसम में कुछ ज्यादा देर तक सो सकते हैं। रात के समय आपको दही भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रात को दही खाते हैं तो ये आपके भाग्य के लिए अनुकूल नहीं रहता। साथ ही रात के समय दही खाना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं होता। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा या फिर पर्व काल के दिन पेड़ पौधों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उन्हें काटना चाहिए। ऐसा माना जाता है इन तिथियों पर पेड़ पौधे काटने से ब्रह्म हत्या का अपाप लगता है और हिंदू धर्म में ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या मानी गई है। वैसे भी पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये 7ों दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित है, इसलिए हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। सप्ताह में दिनों के अनुसार अगर आप उपाय करेंगे तो आप देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपका जीवन आनंदमय होगा। अब हम आपको उन्हीं उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको सप्ताह के दिनों के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं। पहला, सोमवार हफ्ते का पहला दिन होता है और ये दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर आप अपने कामों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। अगर सोमवार के दिन किसी काम से आपको बाहर जाना है तो थोड़ा सा दूध या पानी पीकर ही घर से निकलें। इसके साथ आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। दूसरा, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। इस दिन आप किसी हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को पान का बीड़ा और लाल फूल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आपके सभी काम सफल होंगे। अगर आप मंगलवार के दिन घर से बाहर जाते हैं तो जाने से पहले आप शहद खाएं और इस मंत्र का जाप करते हुए बाहर निकलें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, उच्चारण हमेशा ठीक होना चाहिए। इसके अलावा अगर हो सके तो मंगलवार को आप लाल कपड़े ही पहने या फिर लाल रंग का कपड़ा अपने साथ रखें। तीसरा, बुधवार का दिन बुद्धि के देवता यानी भगवान गणेश को समर्पित होता है और हमारे धर्मों में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो सिर्फ दूर्वा अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। बुधवार के दिन आपको उन्हें दूर्वा अर्पित करनी है। इसके अलावा आप गणेश जी को गुड़ या फिर धनिये का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन अगर आप किसी काम से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी सौंफ खाकर निकलें। साथ ही आपको इस दिन हरे रंग का कपड़ा पहनना है या फिर हरे रंग का कोई कपड़ा आप अपने साथ रख सकते हैं। इस दिन के लिए आपका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। चौथा, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इन्हीं की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। गुरुवार को किसी भी विष्णु के मंदिर आप जाएं और विष्णु भगवान को पीले फूल जरूर अर्पित करें। इस दिन घर से बाहर जाते समय आप पीले रंग की कोई मिठाई खा सकते हैं या फिर पीले रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं। घर से बाहर जाते समय जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। पांचवा, शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको शुक्रवार को उनकी पूजा करनी है और पूजा के दौरान आपको लाल रंग के फूल उन्हें अर्पित जरूर करने हैं। इस दिन आप जब भी किसी काम से बाहर जाएं तो दही का सेवन जरूर करें। साथ ही आप इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहने, ना हो सके तो आप सफेद रंग का कपड़ा भी अपने साथ रख सकते हैं। बाहर निकलते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और वो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। छठा, शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। भगवान हनुमान का पूजन करने से इस दिन आपको शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है, इसलिए शनिवार को आप किसी भी हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को पान और लाल फूल जरूर अर्पित करें। शनि देव को आप नीले रंग का फूल अर्पित करें। इस दिन आप जब भी घर से बाहर जाएं तो या तो नीला कपड़ा अपने साथ रखें या फिर नीले रंग के वस्त्र पहने। और इस दिन आपको मंत्र का उच्चारण करना है, वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। सातवा, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ही व्यक्ति को बल और ऊर्जा प्राप्त होती है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं
सूर्य देव की कृपा से पूरा संसार प्रकाशमान रहता है। रविवार के दिन आपको तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके अलावा आप भगवान सूर्य को गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप उस गुड़ को खुद भी खाएं। इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। दोस्तों, ये सभी बातें शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इन बातों का पालन नहीं करेगा तो वो अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। हमारी कामयाबी हमारे कर्मों पर निर्धारित होती है, लेकिन जितना हो सके व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। वैदिक टीवी में इतना ही। नमस्कार।